बैठिए प्लीज. ओह अर्चना जी. हाँ जी. बहुत प्यारी लग रही हैं आप. थैंक यू. हाँ एक बार आते ही कॉम्प्लीमेंट दे दो, उसके बाद पीछे पड़ जाओ. मेरी स्ट्रेटेजी है. 1988 में एक फिल्म आई थी कयामत से कयामत तक. क्या कमाल की फिल्म थी और क्या कमाल का म्यूजिक था. ये जो मैं अभी गाना गा रहा था ना, इस गाने को सुन के लड़के इतने पागल हो गए. हर कोई लड़का अपने आप को चॉकलेटी लड़का समझ के ना गिटार लेके स्कूल कॉलेज में. ऐसे चार लड़कियां आई, पापा ये दिनेश भी तब का ही मरा हुआ है इस चक्कर में. अच्छा जिन्होंने ये फिल्म देख रखी थी, जिन माँ बाप ने, उनको अपने बेटे पे शक रहता था कि ये पक्का पड़ोसी की लड़की लेके भागेगा. और ये लड़के ना कॉलेज कॉलेज तक ही गिटार बजाते थे. हाँ. पकड़े जाते तो घर में इनके दोनों तबले बजते थे बाद में. सबका अपना अपना होता है अर्चना जी. कोई भाग के शादी करता है, कोई हाँ. किसी गरीब आदमी का हाथ मरोड़ के, है ना. खैर मैं बात कर रहा हूँ कयामत से कयामत तक की. वो फिल्म लोगों के दिल दिमाग पे ऐसी बस गई थी कि हर तरफ बस उसी के गाने सुनाई देते थे. आज करीब 34 साल बाद उस फिल्म का म्यूजिक फिर से रिक्रिएट हो रहा है और उसकी पूरी टीम हमारे बीच मौजूद है. तो सबसे पहले मैं बुलाता हूँ हिस्ट्री क्रिएट करने वाली म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी को. प्लीज वेलकम मिस्टर आनंद मिलिंद. क्या बात है, जोरदार तालियां आनंद और मिलिंद साहब के लिए. थैंक यू. क्या बात है सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे शो पे. आप पहली बार तशरीफ ला रहे हैं, हमारा सौभाग्य है. और इतने मजेदार गाने, आइकॉनिक सॉन्ग्स आपके, हमें मतलब आपके गानों पे डांस करते करते हम बड़े हुए हैं सर. और बड़ा अच्छा लग रहा है आप दोनों को देख के. एक्चुअली जिन्होंने इनको कभी पहले देखा नहीं, कोई सोच ही नहीं सकता आनंद मिलिंद ये हैं. लग रहा है दो भाई किसी सरकारी बैंक में काम करते, इतने सिंपल लोग हैं, इतने प्यारे. अच्छा कपिल जी. जी सर. मेरा आपसे एक सवाल है. जी सर. ये आपका शो पता नहीं कितने साल से चल रहा है. 9 साल हो गए आई थिंक. कभी आपने सोचा था? नहीं मैंने कभी. आनंद मिलिंद आएंगे. वाओ. तो आपको कैसा लग रहा है? सर बहुत अच्छा लग रहा है. और मैं आपको बताऊं, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूं. आपके सारे गाने और कमाल का काम करते हैं आप. बहुत बहुत धन्यवाद शो पे आने के लिए. अच्छा कयामत से कयामत तक के गाने ऑलरेडी इतने हिट हैं, तो सर आप उनको सच में रिक्रिएट कर रहे हैं या हमारे शो पे आने के लिए बहाना बनाया आपने? जैसा आप समझे. सर अगर बहाना भी बनाया तब भी बड़ा अच्छा बहाना है. लव यू सर. थैंक यू. अच्छा हमने सुना है कि आनंद मिलिंद साहब को जब 1989 में इस फिल्म के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला ना, तो बड़े सादे कपड़ों में गए थे. ये बिल्कुल ऐसे हम्बल लोग हैं. तब आपने सोच रखा था कि तैयार होंगे तो कपिल शर्मा शो के लिए, है चाहे 34 साल बाद ही जाना पड़े. पर जोक्स अपार्ट, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत कमाल का काम किया आपने. मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आज हमारे शो पे वो जोड़ी है जिनकी लगभग हर दूसरी फिल्म जो है वो सिल्वर जुबली होती थी. सर पहली क्यों नहीं होती थी? पहली गोल्डन जुबली होती थी. वैसे आनंद मिलिंद साहब ने ऐसे ऐसे हिट गाने दिए हैं, कई लोग तो आज तक मतलब उनका जलवा कायम है इनके म्यूजिक की वजह से. जैसे आपका गाना था जलवा, वो भी देखिए आनंद मिलिंद साहब ने किया था. क्या बात है, पहली फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर. पर ये गाना तो कमाल था यार. लेकिन कयामत से कयामत में भी जो आपने रोल किया था वो भी बड़ा बाकमाल था. चुप रहे, मैंने उसमें काम ही नहीं किया था. आप नहीं थी उसमें? जी नहीं. तो जूही चावला के पिताजी कौन? अच्छा ओके ओके. गोगा कपूर, सॉरी गोगा कपूर साहब ने किया था वो. नहीं मेरा अर्चना जी हमारी भी तंदुरुस्त महिला है ना. तो पहले पहले तो मुझे लगता था कबीर बेदी भी यही है. एनीवेज एक सेकंड, उन्हें मेरे बारे में कुछ ऐसा नया नहीं बता सकता. कितने सालों से हम एक दूसरे को जानते हैं? I think more than 30 years. But more than 30 but years. But one thing I'll tell you, Archana, that whoever comes to this show, yeah. he always tells you that you're looking great, you haven't changed at all. Yeah. But I don't agree because I feel that you're looking even better. Oh! Thank you! Dekha, purane dost. Anand ji, ye flirt aapka akele ki taraf se tha ki jodi ki taraf se tha ye? Jo samajh le tu. Nahi, words inke hain. एक्शन मेरा फीलिंग आपकी है. एक्शन नहीं, नहीं मैं एक और बात बता रहा था जी कि एक बार हमको किसी ने इंट्रोड्यूस किया. अच्छा जी. हाँ वो तो कमाल का है. मैं बताऊँ? हाँ बता दो. कहीं जा रहे थे तो किसी ने बोला अरे वो देख जा रही है कौन, वो देख वो वहाँ पर आनंद मिलिंद की वाइफ. आनंद मिलिंद की वाइफ. ओए ओए
एक्चुअली बड़े लोगों को कंफ्यूजन होती होगी ना सर, उसके बाद जब आप इतने पॉपुलर हो गए फिर अलग अलग आपकी फोटो भी छपती थी, फिर तो लोगों को पता चल गया। एक्चुअली शुरू शुरू में बड़ी कंफ्यूजन होती होगी ना, आनंद मिलिंद कईयों को तो लगता है एक ही नाम, पर तो लोगों को लगता था बाद में कि आनंद बख्शी दो जने, एक आनंद एक बख्शी। हाँ, पहले लोगों को अर्चना पूर्ण सिंह भी लगता था तीन लोग हैं। मैं तीन के बराबर हूँ। हे नारी, तुम हो सब पे भारी। आनंद मिलिंद साहब से हम लोग और भी बातें करेंगे, अब वक्त है उन दो शख्सियतों को यहाँ पे बुलाने का जिन्होंने अपनी आवाज के जादू से इस फिल्म के गानों को यादगार बना दिया। तो सबसे पहले जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बड़ी ही मधुर आवाज अलका याग्निक जी का। जोरदार तालियां अलका जी के लिए। अब इस फिल्म की फीमेल वॉइस यहां पे हैं अलका जी, तो चलिए इस फिल्म के जो मेल आमिर खान साहब उनको आवाज देने वाले कलाकार, उनका स्वागत करते हैं आप सबकी जोरदार तालियों के बीच। प्लीज वेलकम मिस्टर उदित नारायण जी। आज चार महारथी हमारे इस मंच पे मौजूद हैं, आज की शाम बड़ी मजेदार होने वाली है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, प्लीज आइए विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां। उदित सर बड़े हैंडसम लग रहे हो आप। बस प्यार है आपका, जब भी आप बुलाते हैं जी तो मेरा दिल खिल उठता है। अरे सर हमारी तो आत्मा खिल उठती है। कसम से आप इतने यंग लग रहे हैं, आप आदित्य को छुपा देना आज भी शादी कर सकते हैं आप। कपिल जी इनको ज्यादा चढ़ाइए मत, शुरू हो जाएंगे। नहीं नहीं, अलका जी को तकलीफ होता है, तकलीफ होने दीजिए। लेकिन क्या है, आप ये कहिए मेरे लिए कि तुम इतना यंग बनो कि 20 साल और फिल्म इंडस्ट्री में ऐसे गाते रहो। क्या बात है, हमारी शुभकामनाएं। आइए सर। मैं यहाँ हूँ, कहाँ हूँ? बैठ जाइए प्लीज। जहाँ वेट कर रहे थे कि कोई कहे कि उदित जी के लिए भी तारी हो जाए, तो मैं बोलने ही वाली थी कि उदित जी के लिए भी एक बार एक बार हमारी ऑडियंस के लिए भी ताली हो जाए। कपिल मैं छूट गई, मेरे लिए तालियां। एक ताली, आज तालियां ही बजाएंगे हम, काम नहीं होगा। आपके लिए भी ताली, एक बार दिनेश के लिए भी ताली हो जाए, पांडे के लिए एक राजस्थानी थाली हो जाए। आइए आइए, और कोई बचा ताली के लिए? हमारे कैमरामैन उनके लिए ताली। एक बार कपिल के लिए तालियां। वाह शुक्रिया, वाह क्या सीन है। अर्चना जी मेरे को एक बात पूछ रही थी, कहती उदित जी आएंगे तो इनसे पूछना आपके पास कभी कोई एड फिल्म वाले आया कि सर ये जवानी का लोशन है इसकी एड कर दो। मतलब ऐसे अर्चना जी पूछ, अगर नहीं आए तो आज आएंगे या आना चाहिए उन्हें, है ना? अभी आप कह रहे हैं तो डेफिनेट होगा। अभी फिलहाल तो ये दादाजी बन गए हैं। हैं? बन गए हैं दादाजी। अरे बहुत बहुत मुबारक हो सर। वाह, इतनी घनी काली मूछों वाला दादा मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन आज मैंने मूछ ट्रिम करके आया है। ट्रिम किया आज? हाँ, घर में गालियां दे रहे थे, बोले क्या इतने बड़े बड़े मूछ लगा के जाते हो स्टेज पे। मैंने बोला चलिए आज ट्रिम कर लेते हैं। अच्छा मैंने देखा जब उदित जी गाना गाते हैं ना तो अपने हाथ लेफ्ट राइट बड़ा चलाते हैं, अकेले हैं, किसी और को आने नहीं देते, तो यही रीजन था कि आपने सारे गाने खुद ही गाए कयामत से कयामत तक के। ये तो देखिए मैं आपको बताता हूँ, इनके पिताजी जी वेटरन म्यूजिक डायरेक्टर थे जी। हर फादर का सपना होता है कि मेरा बेटा या बेटी बड़ा बने, नाम कमाए जी। तो उनका सपना आनंद मिलिंद जी ने पूरा कर दिया, बड़े बन गए, बिल्कुल नाम कमाया और आज कर ही रहे हैं। लेकिन इन्होंने मुझे जो इंडस्ट्री में लाया तो मेरा बेटा भी नाम कर रहा है। क्या बात। बहुत अच्छा। इनके जो पिताजी हैं चित्रगुप्त जी, वो उनके बारे में क्या, मतलब वी ऑल नो। तो मेरी इतनी खुशनसीबी थी कि मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला, वो भी मेरे करियर की शुरुआत में। और इतने प्यारे कंपोजर तो थे, एक कमाल के लाजवाब,
इतने प्यारे इंसान, ही वाज लाइक अ फादर फिगर, और इतने प्यार से गाना सिखाते थे. और तब आनंद मिलिंद उनके असिस्टेंट हुआ करते थे. अच्छा जी. तो ये दोनों ज्यादा बोलते नहीं है उस वक्त, तो और भी नहीं बोलते थे. अच्छा. एक चुपचाप ऐसे घूमते रहते थे. मैं सोचती थी कि ये दोनों, पता लगा उनके बेटे हैं. अच्छा. और असिस्टेंट हैं. और चित्रगुप्त जी के साथ बहुत काम करने का मौका मिला. फिर ये बात उठी कि ये लोग कंपोजर्स बनना चाहते हैं दोनों, दे वॉन्ट टू कम आउट ऑन देयर ओन. तब ये कयामत से कयामत तक की फिल्म की बात निकली. अच्छा. और मुझे ये पता लगा कि ये लोग कंपोज कर रहे हैं. अच्छा. इन ये फिल्म का म्यूजिक दे रहे हैं. और उदित जी और मैं, हम दोनों नए नए थे. फिर भी इनका पलड़ा भारी था. क्योंकि इनके फादर बहुत बड़े ऑफिसर थे, इनकी माँ दम स्ट्रांग थी, और जू में ऑलरेडी फ्लैट था इनका. तो मुझे कहाँ गया? और मैं स्ट्रगल कर रहा था, तो मुझे बोले कि आपको पता है एक बात. मैं बोला क्या? तो वो अलका जी गाती है ना, वो यहाँ रहती है. तो मैं बोला यार मैं तो जा नहीं सकता हूँ, ये सच बात है. अच्छा जी. मैं बोला मैंने तो कोई गाना गाया नहीं, स्ट्रगल में ही हूँ. तो ये लोग क्यों ऐसा कह रहे हैं कि आप अलका जी से मिलने जाइए? लेकिन संजोग ऐसा था, कहीं से ऊपर वाला सुन रहा होगा तो बोले चिंता मत करो, हम सब की जोड़ी एक दिन ऐसा होगा जो कयामत से कयामत तक चलेगा. क्या बात है, हुआ भी. तो कपिल जी. जी सर. इन्होंने डैडी की बात छेड़ी. जी. तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है. अच्छा जी. मेरे फादर इनको, इनकी सिंगिंग को तो शुरू से पसंद करते थे. अच्छा जी. और उनका था कि ये बहुत बड़ा सिंगर बनेगा. अच्छा जी. तो पापा ने क्या बोला उसको, बहुत देर तक देखते रहे, फिर बोले उदित जरा इधर आना बेटा. हाँ. तुम गाते कमाल हो, एंड यू विल बी अ वेरी बिग सिंगर. हाँ. लेकिन एक मैं जो एक बात बोल रहा हूँ उसको गांठ बांध के अपने पास रख लेना. अच्छा जी. कि जब भी मुंह खोलना सिर्फ गाने के लिए खोलना. पर हमें तो बड़ा मजा आता है इनकी बातें सुन के. सीरियसली, मतलब गाने तो हैं ही कमाल के, पर बातें भी मजेदार बड़ी होती है उदित जी की. मैंने सुना कयामत से कयामत तक के लिए आनंद मिलिंद साहब इनको ढूंढ रहे थे. हाँ. फिर दिल तो पागल है के समय यश चोपड़ा साहब इनका इंतजार कर रहे थे. हाँ. ये सच और, है ना? बिल्कुल सच है. पर मैंने सुना घर से तो आप टाइम से निकल जाते हो, फिर जाते कहां हो बीच में? आई वॉज इन अमेरिका दैट टाइम. अच्छा. मैं शो कर रहा था. अच्छा. और ये घर में फोन किया, उस वक्त मोबाइल नहीं होता था. ये 97 की बात है. तो 96 में रिकॉर्डिंग चल रही थी, तो उन्होंने घर में फोन किया कि यश चोपड़ा जी का फोन आया है. अच्छा जी. तो मुझे पता चला, अब मैं टेंशन में आ गया. मैं अमेरिका पहुंचा ही था, 8-10 शो थे मेरे. तो मैंने फोन किया उनको कि सर मुझे पता नहीं था ऐसा, मैं टेंशन में अभी यहाँ शो नहीं कर पाऊंगा, अब यश चोपड़ा जी का फिल्म छूट जाए. जी. तो बोले अच्छा, कुछ जवाब दिया नहीं. फिर सेकेंड डे फोन किया मैंने, तो बोले वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्डिंग चल रही है. तो भाभी जी, पमेला भाभी बोली कि देखो यार, सात समंदर पार बैठा हुआ है, लेकिन दिमाग में टेंशन में है ये कि मेरा गाना ना छूट जाए यश चोपड़ा जी का. यश चोपड़ा जी बोले शाहरुख खान का डेट मिल गया है मुझे, अब मैं किसी का वेट करने वाला नहीं. मैं स्टेज पे, अब दिन रात का फर्क हो जाता है, स्टेज पे परफॉर्म करता रहता था और दिमाग में मेरे वही चल रहे थे. तो फिर मैं डेली फोन करता था उनको. तो पमेला भाभी बोली यार, यश जी से रिक्वेस्ट किया कि देखो कितना इसमें लगन है, सात समंदर पार है और शो कर रहा है, यार मान जाओ. संजोग ऐसा हुआ कि किसी सिंगर को बुलाया, मुझे पता नहीं. टाइटल सॉन्ग में आप देखना कि शाहरुख खान जी भी हैं और अक्षय कुमार जी भी हैं. तो एक हीरो के लिए किसी सिंगर को उन्होंने गवाया है. अच्छा जी. पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, बोले गवा लेते हैं किसी से, लेकिन आवाज़ तो उदित नारायण की ही चाहिए मुझे. तब तक उनके दिमाग में मैं उनका फेवरेट सिंगर बन गया था. ये भी देखिए एक ईश्वर की लीला है. बिल्कुल. तो उन्होंने लता जी से सारे गाने कर लिए और बोले जो जो गाने की शूटिंग है वो कर लेंगे किसी से, लेकिन वो आए. मैं, आप यकीन नहीं करेंगे,
15 या 20 दिन के बाद मैं आया, सीधा एयरपोर्ट से सीधा मैं वेस्टर्न आउटडोर गया और पहला गाना रिकॉर्ड किया, दिल तो पागल है। मगर ये बताइए कि लेट क्यों आते थे रिकॉर्डिंग में? हाँ, ये हमारी रिकॉर्डिंग में नहीं, बाकी बड़े चलाक, क्योंकि मैंने बात कहां से कहा, हम अमेरिका ले गए और हमको बात ही भूल गए कि हमने पूछा क्या था, है ना? क्योंकि ये टॉवेल लपेट कर नहाने की तैयारी इनकी 1.5-2 घंटे तक चलती है। अच्छा। तो एक बार किसी के रिकॉर्डिंग में मैंने सुना कि ये बोले बस मैं निकल गया हूँ, ट्रैफिक जैम है, फिर 15 मिनट के बाद ट्रैफिक जैम है, बहुत ट्रैफिक है, बहुत ट्रैफिक है। अरे इनको पता नहीं था कि वो उस रिकॉर्डिंग में एक गेस्ट बैठे थे जो बॉम्बे के RTO चीफ थे। अच्छा। तो उन्होंने सब जगह फोन लगा के बोला ये घर से ही नहीं निकला यार। अरे मुझे पता है, ये सच है ना, वेस्टर्न आउटडोर में रिकॉर्डिंग होती थी तो बैठे बैठे गाना लिख रहे हैं, वो फोन आते रहते थे उनके पास, वेस्टर्न आउटडोर कहाँ है और सानी सुपर साउंड कहाँ है। जी बिल्कुल। तो वो फोन पर बोलते थे, हाँ बस बस सर 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 बस बस आ गया, बस बस आ गया, आ गया बस, ना सर सर इधर गेट, आई एम एट गेट। मैंने बोला आप वेस्टर्न आउटडोर में बैठे हो, अभी तक गाना आपने गाया नहीं है और आप उसको बोल रहे हो कि मैं सनी के गेट पर, इतना बड़ा झूठ पकड़ा। इसका जवाब भी देता हूं। मैंने देखा है ये, मैं आई एम आप लोगों को मैंने बताया ना क्या कि अलका याग्निक जी के दिमाग में मैं ही हूं हमेशा। और आनंद जी ने ठीक कहा। अब देखिए क्या है, अभी एक ऐसा टाइम आता है ऊपर वाले की कृपा से कि एट ए टाइम 4-5 स्टूडियो में गाने चल रहे हैं डिफरेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स जी। अब मैं कोई गाना छोड़ना नहीं चाहता था क्योंकि इतना संघर्ष करके आया था, तो एक लगता था कि यार कोई म्यूजिक डायरेक्टर का गाना मुझे छोड़ना नहीं है। उस चक्कर में मैं लेट हो जाता था। अब एक जगह गाना गाने जाता था, अलका जी बैठी रहती थी, पहले मैं माइक पे जाऊंगी, आप बैठे रहो। झूठ मत बोलिए उदित जी, ये सच। आप बोलते थे कि पहले अलका जी गा लेंगी तब मैं गाऊंगा। आनंद सर, नॉर्मली क्या होता है कि गाना बच्चे बच्चे की जुबान पे जब आता तब होता है कि गाना ये सुपर डुपर हिट है, आजकल नंबर वाली गेम आ गई, इतने इतने मिलियन व्यू हो गए ये, लेकिन कयामत से कयामत तक की जो ऑडियो कैसेट थी, हमने सुना कि उसके 88 लाख और 80 लाख समथिंग कैसेट बिके थे। मोर देन वन करोड़। वाओ। तो खुशी की बात यह है कि आज भी बहुत डाउनलोड होते हैं वो गाने, इवन आफ्टर सो मेनी इयर्स। वाओ। पर आपको कभी दिमाग में नहीं आया कि यार एक साथ पैसे लेने की बजाय पर कैसेट लेते तो अच्छा रहता, मतलब जब इतना हिट हो गया। मैंने एक और बात सुनी, कहते ये जो गानों की धुन बनाते थे आप, मंसूर साहब की लाल कलर की वैन में बैठ के बनाते थे जी, तो अपनी मर्जी से बैठे थे लाल वैन में कि किडनैप करके बिठाया था खान साहब ने आपको? बताओ। कमाल की बात ये है कि आज भी हम लोग को नंबर याद है 1887 रेड वैन मंसूर खान की, और हम लोग ट्यून बनाते थे, उस वक्त कैसेट प्लेयर होता था छोटा सा, तो रिकॉर्ड करते थे उस पर और फिर गाड़ी में बैठ के घूमते घूमते अरेंजमेंट्स गाड़ी में बनते थे। एंड बोथ ऑफ यू बीइंग ब्रदर्स, कुछ लड़ाइयां वड़े होती थी? तो होती थी क्या, आज भी होती है। आनंद मिलिंद साहब की धर्म पत्नी है जी यहाँ पर हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। नमस्कार जी। ये सच बताएंगी हमें, ये दोनों भाइयों में आपस में होते हैं झगड़े? पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, चैनल का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि इतने सालों के बाद आनंद मिलिंद जी को आपने इतनी प्यार से और इज्जत से यहाँ बुलाया, हम सबको बुलाया, थैंक यू सो मच फॉर दैट। हम क्या बात, पूरा परिवार हमारा, खासकर हमारे बच्चे, मेरी बेटी गौरी और रितिका रिया, बच्चे भी आए हैं, बड़े फैंस हैं जी। हाँ हेलो जी, वेलकम वेलकम। हाँ बिल्कुल। और ये मेरी प्यारी सी देवरानी मिसेज मिलिंद अनीता, और मेरी बेटी के बारे में मैं एक ज़रूर आपसे शेयर करना चाहूँगी, ये प्लेटफॉर्म मिला है। गौरी जब 7th स्टैंडर्ड में थी तो इनको एक प्रोजेक्ट दिया गया था। अच्छा जी। उस प्रोजेक्ट में ऐसे था कि हर बच्चे से कहा गया था कि आपको जो भी सेलिब्रिटी पसंद है या एनी नॉन पर्सनालिटी दैट यू आर फॉन्ड ऑफ दैट यू लुक अप टू, आप उसके बारे में लिखिए और उसको आप इनेक्ट कीजिए। गौरी वॉज अ डाई हार्ट फैन ऑफ कपिल शर्मा। थैंक यू, शुक्रिया। पागल जिसको कहते, जुनूनी, खाना भी खाती तो वो बस शो देख के, नहीं तो खाना खाने में भी इंटरेस्टेड नहीं। तो इसने आपका जो पूरा वो जो आप प्रेजेंट करते थे एंट्री वगैरह,
पूरा उसने इनेक्ट किया एंड शी वन अ फर्स्ट प्राइज फॉर दैट. वाओ. सो हाँ, लड़ाइयाँ होती हैं, पांचों उंगलियाँ एक जैसी नहीं. दोनों भाइयों में आज भी होती है, पर प्यार भी बहुत है, रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर भी बहुत है. हम पूरा परिवार बिल्कुल ऐसे हैं और ऐसे ही रहें आप लोग सब. यही दुआ करें. आई वॉन्ट द वर्ल्ड. आनंद जी, ये आपको रोमांटिक गानों की इंस्पिरेशन तो मैं समझ गया कि यहीं से आ रही है. बिल्कुल. मैडम इतनी प्यारी ही लग रही हैं. बिल्कुल. कौन सा गाना आपको अगर आज डेडिकेट करना हो अपने गानों में से कोई गाना आनंद जी? जो मेरा बहुत फेवरेट है, कयामत से कयामत तक, जिसकी रिकॉर्डिंग में मैं थी रात के ढाई तीन बजे. उसका किस्सा सुनिए. आप रात के ढाई बजे तक क्यों, आपको शक था? मैं पहली बार या दूसरी या तीसरी बार मुझे बताने दो. अच्छा, मुझे लगा इनको डाउट था आप पे कि रिकॉर्डिंग पे जा रहे हैं. अच्छा, नहीं, वो गाना बना कैसे था ये शायद लोग नहीं जानते होंगे. जी, वेरी इंटरेस्टिंग. ए मेरे हमसफर. हाँ, ओके. म्यूजिक सिटिंग हुई जी, पूरी यूनिट बैठी थी और डिस्कस हुआ. और उसके बाद फिर ये हुआ कि 6-7 दिन के बाद फिर मिलते हैं और आप लोग कोई ट्यून सोचिए, फिर आगे बात बढ़ाते हैं हम लोग. अब उसके दूसरे दिन मंसूर जो है डायरेक्टर जी, वो चले गए आउट ऑफ टाउन. ओके. और मंसूर गए आउट ऑफ टाउन और आनंद मिलिंद हो गए रिलैक्स. अच्छा. अब आएंगे 10-12 दिन के बाद, कुछ सोचेंगे, कुछ करेंगे. वी आर एंजॉयिंग लाइफ. तीसरे दिन सुबह सुबह नासिर साहब का फोन आया. अच्छा जी. तो मैंने फ़ोन उठाया तो बोले हाँ क्या हाल चाल है. एकदम अंकल ठीक ठाक. कुछ सोचा है उस गाने के लिए? मुझे नहीं मालूम था कि उनकी शूट जो है वो प्रीपोन होने वाली है. अच्छा, मैं कभी झूठ बोलता ही नहीं हूँ, जो है अपने सच बोल देता हूँ. उस दिन पता नहीं क्या हुआ मुझे, मेरी शामद आने वाली थी. मैंने छोटी सी झूठ बोले आदमी, बोला अंकल 2-3 तरह से सोचे हम लोग एंड यू विल बी माइंड ब्लोइंग ट्यून से. अच्छा ठीक है, झूठ तो बोल दिया. उसके बाद नासिर साहब ने कहा, वो एक्साइटेड हो गया, बोले एक काम करता हूँ, मैं अभी ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ. ओह गॉड. तो मैं तुम्हारे म्यूजिक रूम में होते हुए जाता हूँ और ट्यून सुनते हुए जाता हूँ. अच्छा. और उनका जो घर था वो हमारे यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर. अच्छा. कपिल जी यू के नॉट इमेजिन, मैं तो पूरा सफेद हो गया और लगा कहाँ फंस गया यार, सुबह सुबह ये झूठ बोलना ही नहीं चाहिए था मुझे. भागा म्यूजिक रूम में, सिचुएशन तो मालूम थी. बैठा, बोला क्या करूँ. मिलिंद भी आया एकदम टेंस, तो रिकॉर्ड बटन दबाया और ये ट्यून हमने टेप की. स्टॉप बटन दबाया तब तक डोरबेल नासिर साहब की. क्या बात है, वाह क्या बात. कभी कभी देखो आप, इतनी खूबसूरत चीजें ऐसे ही बन जाती हैं. फिर उनको मैंने बोले हाँ भाई क्या सोचा है. वो 2-3 तरह से मैंने झूठ बोला था जी, तो ये ट्यून हमने सुनाई. उनका रिएक्शन कमाल था, बोलते एक्स्ट्राऑर्डिनरी, यही गाना होगा, इसके अंतरों पे काम करो. और निकल गए. अच्छा, नासिर साहब निकल गए, जो मेरा 135 हुआ था ब्लड प्रेशर और पल्स रेट, मैं यूं कि ये क्या हो गया. वाह. मैं सर आज ना सर आपने वो दौर याद करा दिया. हम यही गाने सुन सुन के तो बड़े हुए, मतलब हमारे स्कूल कॉलेज के गाने हैं ये. और इतना मजा आ रहा है सुन के. हम लोग इतने बूढ़े नहीं है. नहीं, नहीं, सर. स्कूल कॉलेज के गाने कपिल, आप हर शो में यही बोलते हैं. नहीं पर जनरली आपके गाने सुन सुनकर हम बड़े हुए. मुझे अभी आप पूछ लो, अभी किशोर दा के गाने, रफी साहब के गाने है ना, फिर उसके बाद 90's के आप सबके गाने, मुझे आजकल के गाने उल्टा याद नहीं होते. तो तू कितना छोटा है, तू बड़ा ही होता जा रहा है, बड़ा ही होता जा रहा है, बड़ा ही होता जा रहा है. अभी तो आप नहीं 40 की हो रही, मैं तो अभी फिर. अच्छा, जब ये आती हैं, आके बोलती हैं मैंने पृथ्वीराज कपूर साहब के साथ भी काम किया है. ओहो. मैंने रणबीर कपूर के साथ भी. एज अपनी बताती नहीं है. वाह. आई नो फेक रहा. आई नो आई नो. दो महिला दोस्त जब मिल जाती है ना, किसी की सुनती नहीं है. अच्छा, ये बोले जा रहा है. अलका जरा ज्यादा बोले, इसकी बोलती बंद कर. ये आपको भड़का रही है, इनकी बातों में नहीं आना आपने. आपको पता है ये सिद्धू जी को यही बोलती थी, आप ना शो में बैठे अच्छे नहीं लगते, आप थोड़ा अमृतसर घूम के आओ. घूमने गए तो उनके सोफे पे बैठ के, इनकी बातों में नहीं आपने आना. भड़काती है ये. फूट डालो, राज करो, इनकी नीति है. ओह गॉड. नहीं, इसीलिए तो. वाह क्या सीन है. कपिल जी, मैं एक बात बोलना चाहूंगा. आपने पूछा आनंद मिलिंद का झगड़ा होता है या नहीं. जी, तो झगड़ा होता है. अच्छा, आपको अब सो क्वेश्चन समझ में आया. नहीं, ठीक भी हो जाता है. लेकिन इसके आगे बोलना चाह रहा हूँ कि मेरी वाइफ बैठी है सामने. जी जी. थर्ड नंबर. जी. जस्ट गेट अप. मेरा और इनका गेट अप.
नहीं इसलिए खड़ा कर रहा हूँ अर्चना, रोज झगड़ा होता है, रोज कपिल शर्मा शो देखती है। अच्छा। और देखने के बाद जब बेड पे हम लोग लेटते हैं तो फोन पे देखती है और हंसते रहती है, और मेरी नींद खराब करती है। शी इज योर बिगेस्ट फैन। थैंक यू मैम, इस पे कुछ जवाब दो भाई। और मैं बहुत डांटता हूँ फिर भी लगा के। तो आप इनके कमरे में क्यों सोते हैं? सॉरी, वो मेरे कमरे में सोती है। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है? नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या बात है। अच्छा। इतने सारे टैलेंटेड लोग एक साथ एक ही जगह पे जोरदार तालियां। वाह यार, अलका जी नमस्ते, उदित जी, आनंद जी, मिलिंद जी, क्या बात है यार। शर्मा कैन आई हैव अ सीट? हाँ बैठिए प्लीज। ओह थैंक यू सो मच। अरे मैं ये ठीक कर रहा हूँ, बैठिए आप। समझ गया सब। असला जी मैंने भी सीट पकड़ ली। वेरी गुड, छोड़ना नहीं। आनंद जी वहां से जाऊंगा लेकिन थोड़ा सा आप यहाँ से उठ जाएंगे। क्यों? क्यों, क्या हुआ? नहीं नहीं, क्या है कि इतने सारे टैलेंटेड लोग आए हुए हैं तो इस शो का आज मैं आनंद उठाना जा रहा था। उदित जी, जी आप गाते हैं, मैं भी गाता हूँ। जैसे तानसेन जी से वो जब गाना गाते थे तो दीपक जल जाता था जी। अभी कुछ दिनों पहले मैंने गाना गाया, दीपक जल गया। अच्छा। आपको गाना कहाँ आता है? यही सेम बात मुझसे दीपक ने कही। मुझे आया गुस्सा। हाँ। मेरे हाथ में लाइटर था, मैंने उसके हाथ पे जला दिया, इस तरह गया। दीपक जल गया। तो अलका जी आप खुद पीटेंगी कि मैं कोई ड्रम वाले को बुलाऊं? हिम्मत नहीं कर सकती हूं मैं, ये बाउंस बैक हो जाएंगे। लेकिन अलका जी मैं आप लोगों से एक और बात जानना चाह रहा था। बोलिए बोलिए। ये तानसेन जी जब गाना गाते थे तो दीपक जलता था, तो कितनी दूर तक का दीपक जल जाता था, मतलब रेंज क्या होती थी दीपक के जलने की? मान लीजिए इस मोहल्ले में किसी की नई नई शादी हुई है, उसने अभी अभी अपने कमरे का दीपक बुझाया है, वहां पे तानसेन जी ने गाना गा दिया, यहाँ इसके कमरे का दीपक जल गया। अब इस तरह बार बार दीपक जलता रहेगा तो इसके खानदान का चिराग कैसे रोशन होगा? दुविधा है। ये क्या फालतू की बात कर रहे हैं आप वकील साहब? अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, सयानी बात करनी थी। सयानी बात करिए। सयानी बात करता हूं मैं। आप कह रहे हैं आप गाते हैं तो कुछ सुना दीजिए। इतना अच्छा थोड़ी, इतना अच्छा नहीं गा सकता मैं सबके सामने सुना दूं। वो तो मैं ये क्या घंटों बैठ के रियाज करते थे, चलना फिरना बंद कर दिया तो इतना रियाज किया कि गला ही गायब हो गया। गायब हो गया। उदित जी, जी आपसे किसी को मिलाने लाया हूं मैं। किसको? ये कौवा है। एक बार आपने कहा था उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा। अब ये बेचारा उड़ना चाहता है। अच्छा। He wants to fly. पर कह रहा है कि जब तक उदित जी मेरे मुंह विच खंड नहीं पाते मैं नहीं उड़ूंगा। वकील साहब अभी ट्रेन के आने का टाइम हो गया, नीचे आएंगे आप? करने क्या आए आप इधर? अच्छा अच्छा सर, मैं आपको बस बताना चाह रहा था ये फिल्म जो है कयामत से कयामत तक, इससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ। अच्छा। इसमें कैसे आमिर खान जी और जूही चावला जी ने भाग के शादी की थी। हाँ। मैं और मेरी बीवी हमने भी भाग के शादी की। झूठ मत बोलो, सिर्फ आपकी बीवी भागी थी आपको देखकर, आप नहीं भागे थे। झूठ बोल रहे हैं। थोड़ा अपनी सेहत पे ध्यान दो आप। अच्छा ऐसे में कूल नहीं लगता? नहीं आप वाटर कूलर लगते हैं, आप हमेशा एक ही तरह के कपड़े पहन के आ जाते हो। और कपड़े नहीं आपके पास? नहीं नहीं, मैं मॉल में गया था कपड़े लेने जी। अब मैंने टी शर्ट के काउंटर से टी शर्ट ली, पजामे के काउंटर से पजामा लिया, शर्ट के काउंटर से शर्ट ली। अब जब मैं कैश के काउंटर पे गया तो कहते हैं यहाँ पे कैश नहीं मिलेगा। कैश आपको देना पड़े, ये क्या बात हुई? वाह वाह वाह। हाय। ओहो। ओह माय गॉड, अब सब लोग यहाँ हैं। हाय, अब सब लोग कैसे हो? भाई शो शुरू हुए ना एक घंटा हो चुका है, आप सब लोग कैसे हो? आजा आजा, ये फूल कैसे दिए ये बताओ जरा।
बेच नहीं रही हूँ मैं। अच्छा बेच नहीं रही हो? नहीं। मतलब मेरे लिए लाई हो? आपको फूल लेना का क्या फायदा है? आपकी खुद की शक्ल गोभी के फूल की तरह है। अब अगर मेरी शक्ल गोभी के फूल की तरह है तो आओ कभी गोभी का पराठा खिला दो। ये फूल आपके लिए नहीं है, इनके लिए है मैम, आपके लिए। थैंक यू सर। क्या बात है। और बताइए आप सब लोग कैसे हो? नहीं देखिए, ये ना डुएट में सिर्फ गाना गाते हैं, डुएट में जवाब नहीं देते। एक ही सवाल सबके लिए। भाई एक घंटा लेट आई हो, तीन चार सवाल ही ले आती साथ में। सुनो, मैं बहुत प्रिटी हूँ लेकिन पोलाइट नहीं हूँ। अंडरस्टूड? बेटर गेट इट राइट, माइंड इट। बाप रे, इतना अंग्रेजी बोल लेती हो तो जो अंग्रेजी के मेन वर्ड है आई लव यू वो क्यों नहीं बोलती? क्या बात है, अपनी शक्ल देखिए। आई लव यू बोलने का शक्ल वकल ना सिर्फ कवर अप है। साफ साफ कह दो कि मैं मोटा हूँ। नहीं, हूँ मैं मोटा। हूँ मैं मोटा, किसी की माँ का नहीं खाया मैंने। एक मिनट, गलत बोल रहे हो आप। कहते हैं किसी का बाप का नहीं खाता, लेकिन बाप का मैंने खाया है। वाह, क्या बात है। मेरे जो बाप हैं बड़े अच्छे कुक हैं, वो क्या खाना बनाते हैं। अरे उनका खाना खा गई तो ये सेहत मेरी ऐसी हुई है। आओ कभी अपने बाप के हाथ का खाना खिला दो तुम्हें। नो, मैं हेल्थी खाना खाती हूँ। ओहो, हेल्दी खा के क्या हेल्थ बना रखी है, जरा देखिए एक बार। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ अलका जी, परसों के दिन पे इसने फ्रिज खोला, इसे सर्दी हो गई। पूरे दिन नाक बह रही थी इसकी। हाँ, फिर इन्हीं को ही रखा था ना नाक साफ करने के लिए 200 रुपए सैलरी पे। हाँ, फंस के मर गया मैं यार, यू आर सो फनी। सुनो, इनको इग्नोर कीजिए, नॉनसेंस बातें करते रहते हैं ये। असिस्टेंट हो तुम मेरी, इसलिए ये सब सहन कर रहा हूँ, वरना मैं हाथापाई पे उतरा था। चार पाई से आपसे उतरा नहीं जाता, हाथापाई पे उतरेंगे आप। ऐसे फालतू बातें कर रहे हैं आप। भाई चार पाई से मैं तब उतरता जब मैं चार पाई पे चढ़ पाता, इसीलिए तो मैं चटाई पे सोता हूँ। चार पाई का टट्टा ही खत्म। ये बाल कटवाइए, चुड़ैलों के दामाद लग रहे हो आप। और तुम भी यार, बस हो गया, तुम जाओ अंदर अपना केस की तैयारी करो। कौन सी केस? सूट केस। उसमें अपना सामान पैक करो और निकलो। मैं सामान पैक करूंगी तुम्हारे, तुम निकलो घर से। बाय गाइस, उदित जी बाय, फिर मिलूंगी, ठीक है? हो गए पैसे पूरे खत्म। नहीं उदित जी, इतना ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है उदित जी, ये कह दिया फिर मिलूंगी मिलती नहीं है। नहीं, आपको क्या क्या सुना के चली गई वो? मैं अभी चलिए खुद भी चलता हूँ। कहने को मैं भी कह सकता हूँ कि फिर मिलूंगा, लेकिन मेरे से मिलकर आपको क्या मजा आएगा? हमें तो मजा आया। आया? हाँ। भाई बहुत बहुत शुक्रिया फिर। नहीं नहीं नहीं, ये फैक्ट है। शुक्रिया जी, चलिए मिलते हैं फिर से। ओके भाई शर्मा, चलिए। अलका जी, आपको एक नया सेगमेंट दिखाते हैं हम। इसमें ना जो आप अपने फैंस के लिए फोटोग्राफ्स वगैरह डालते हैं, उसके नीचे ना कमेंट्स बड़े मजेदार आते हैं। हमारी जनता बड़ी क्रिएटिव होगी, आइए देखते हैं। तो अलका जी ने ये पिक्चर डाली है और उस पर लिखा है, कीपिंग माई सेल्फ बिजी विद सुडोकू ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन, आई होप यू ऑल आर स्टेइंग होम एंड आर सेफ। ओके, दिखाइए कमेंट्स। लॉकडाउन में भी आपकी आईब्रोज बनी हुई हैं, मेरी गर्लफ्रेंड की तो मुझे आ गई थी। सुडोकू की किताब खरीदने की क्या जरूरत थी, ये तो अखबार में भी आता है, उसमें खेल लेते। किसने रिप्लाई किया, अबे भूतनी के लॉकडाउन में अखबार बंद थे इसलिए किताब पढ़ रही है। और दिखाइए,
Udit ji ne ye photo dala hai, use your smile to change the world. Don't let the world change your smile. Wow, very nice. Nice, very nice. दिखाइए कमेंट्स। ये कैप्शन आदित्य ने लिखा या तुमने लिखा? उदित, तुमने लिखा? आदित्य ने लिखा। आदित्य ने लिखा होगा। दुनिया को देख के मुस्कुराओ, ठीक है, लेकिन पड़ोसन को देख के नहीं मुस्कुराना चाहिए। जिस दिन उसके पति को पता चल जाए, आपकी दुनिया सच में चेंज हो जाती है। सही है आपके लिए। कमाल। फोटो खींच रही है इसलिए कपड़े पहने, वरना ये तो तौलिए में बैठे होते। हाँ जी, और दिखाइए। ऐसे कॉन्फिडेंस से आदमी तभी बैठता है जब प्रॉपर्टी का सारा लोन उतर गया हो। उल्टा हो रहा है, बहुत सारे लोन है मेरे सर पे इस वक्त, जो कि मैं अलका जी से लेने वाला हूँ। ओह गॉड। आगे दिखाइए। और आनंद मिलिंद विशिंग ऑल फ्रेंड्स एंड फैंस हैप्पी नवरात्रि। आनंद की शक्ल देखो उसमें। Arrogance. दिखाइए कमेंट्स। ऐसी फोटो तो शादियों में दूल्हा दुल्हन खिंचवाते हैं रिसेप्शन के बाद। जब रिश्तेदार चले जाएं और मिठाई बची हो तो बच्चे ऐसे ही खुश होके देखते हैं। क्या बात। मिलिंद जी कह रहे हैं आनंद तुझे ही देख रही है, वो लड़की मुस्कुराई भी थी। और दिखाइए। नवरात्रि में गरबा शो मिलने की खुशी में। लगता है इन्हें पैसे वाला प्रोड्यूसर दिख गया है। और दिखाइए। ए डेट विद कुवैत इन रूट। ओके, दिखाइए कमेंट्स। ये आप उदित जी की दुखती रख पे हाथ रखने वाली बात हो गई है। इतनी सुरीली सिंगर पास बैठी हैं, फिर शानू जी हेडफोन में किसके गाने सुन रहे हैं। अलका जी आपका ध्यान फोटो पे रह गया, शानू सर आपकी प्लेट भी उठा ली। शानू दा भी लाइक, ये नहीं पीती, इनका ड्रिंक मुझे दे दो। और दिखाइए। एयरलाइंस वालों को कम से कम 2 गुलाब जामुन तो देने थे, अलका जी भी है। मैम उदित जी नजर नहीं आ रहे। किसी ने रिप्लाई देखो क्या किया है, कहते उदित जी नजर नहीं आ रहे, कहते वो पक्का एयर होस्टेस के साथ होंगे। ये मैं बोलना नहीं चाहता हूँ जी, जब वो रहता तो मेरा पता एकदम कट जाता है। ओहो। ये बहुत बहुत दुखती रख है। आइए आगे कमेंट्स पढ़ते हैं। चलिए। ओह आई लव यू डैडी। आदित्य ने ये फोटो पोस्ट किया, आदित्य जी को उठाया हुआ है। वाह, कमेंट्स दिखाई जरा इसके नीचे। वाह, आज बेटे ने पापा का सर ऊंचा कर दिया। नाइस। पापा को चिड़ियाघर में शेर दिखाता हुआ बेटा। जब मम्मी बोले 10 बज गए, जा बाप को उठा के लेके आ। आज एक बेटे ने बाप को गोद लिया है। और दिखाइए आगे। टिप टिप बरसा पानी, अलका जी ने फोटो डाला है ऑन स्टेज। ओके कमेंट्स दिखाइए जरा। टिप टिप बरसा पानी गा रही हैं, इसलिए छाता लेके आई हैं। अगर काला कौआ गा रही होती तो क्या कौआ लाती। लगता है छाता इन्होंने महंगा लिया है, इसलिए उसे पकड़ के गा रही हैं ताकि गुम ना हो जाए। आगे दिखाइए। सच में लेडीज बड़ी बचत करती हैं, सिंगिंग के पैसे तो लेंगी ही, छतरी पकड़ने वाले का पैसा भी खुद ही ले लेंगी। और आगे दिखाइए बस। आपको पता है अलका जी, उदित जी का एक कहना है कि जब आप सामने होती है तो मैं रोमांटिक गाना बड़ा अच्छा गाता हूं, तो जब आपने सैड गाना होता है फिर पंकज उदास साहब को बिठाते हैं। आई मीन सैड सॉन्ग गाने के लिए आप किसको ध्यान में रखते हैं? रफी साहब को याद करता हूं उस वक्त। वाह। हाँ, क्योंकि सैड सॉन्ग जो रफी साहब गाए हैं ना, उसकी बात ही अलग है। वाह उदित जी, माहौल बना हुआ है ताल का, प्लीज सुना दीजिए, मजा आ जाएगा। क्यों कसम से खा रही हैं? ऑलरेडी हम लोगों का प्यार है, हम लोग साथ में गाना गाते हैं, तो कसम खाने की जरूरत क्या है?
मुझे लगा पता नहीं क्या इम्पोर्टेंट बात बोलने जा रहे हैं, क्यों ऐसे गा रहे हैं? माइंड ब्लोइंग उदित, ब्यूटीफुल, थैंक यू। आ है देखो अर्चना जी खुश होके किस भी थी, आप एक हो कि आप दूर रहती हो। अलका जी का आपसे बात पूछनी थी, कहते राजेश रोशन साहब ने जब आपको बुलाया था हमारी बहू अलका के लिए, तो उस समय आप कंफ्यूज नहीं हुई कि मेरे से गाना गवा रहे हैं कि मुझे बहू बना रहे हैं? समझ लीजिए उसके बाद फिल्म इंडस्ट्री में मेरी शादी हो गई, सारा जिंदगी पूरी अर्पण हो गई फिल्म इंडस्ट्री को। वाह, इत्तेफाक से ही ऐसा नाम था। कुछ अफवाहें हैं अलका जी, उड़ती रहती हैं सेलिब्रिटीज के बारे में, हमारे पास कुछ है अफवाहें आई हैं। आनंद मिलिंद साहब आपके बारे में अफवाह ये कि आप दोनों को एक ही बंदा समझ के प्रोड्यूसर पैसे का चेक दे देता था, फिर आप बोलते थे हम दो लोग हैं ठीक ठीक लगा लो, और कई बार तो फ्लाइट की भी एक ही टिकट दे देते थे। ये सही बात है सर? नहीं लेकिन एक बात है, फिल्म फेयर अवार्ड एक ही मिला। ओह रियली? और उसके ट्रॉफी, उसके बाद हम लोग जहाँ भी जाते हैं जो भी अवार्ड मिलता है हम लोग बोलते हैं प्लीज मेक टू अवार्ड। उदित जी आपके बारे में ये फायदा है कि जब टिप टिप बरसा पानी में जो आपने गाया ना वो फंबल आपका रवीना जी को देख के हुआ था। रवीना जी को मैंने देख लिया था। किसी ने देखा तो नहीं, नहीं आपको देखते हुए? मतलब राजीव जी ने बोले कि ये मेरे फिल्म की हीरोइन है। अच्छा जी, तो ये सही है कि गाया तो मैंने अलका जी के साथ लेकिन याद किया था रवीना टंडन जी को। देखो बेवफा निकले ना आप। अच्छा आपका भी समझ नहीं आता, जब आपको तंग करते तब आप बोलते क्यों, जब आपको बोलते क्या बात है, क्या बात है, सही पकड़ा। ये बात उदित जी को भी समझ में नहीं आई अभी तक कि मैं बार बार कैसे फंस जाता हूँ चक्कर में। लेकिन अर्चना जी सही बोली है। क्या बोली? अब ये सोच में पड़ गई कि उदित के पीछे ही अलका है, उदित अलका के पीछे नहीं रहता है। मतलब उदित अलका के पीछे नहीं रहता है, अलका उदित के पीछे रहती है। मतलब कहने का मतलब आप समझे नहीं, इन्होंने कहा कि मेरे दिल में आप रहती हो लेकिन आपके दिल में भी, आपके दिल में मैं रहता हूँ, ये मैंने क्लियर किया था, इन्होंने उसका आंसर दे दिया है कि नहीं? ये तो कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजन है। उदित जी आपके बारे में ये अफवाह कि आपकी धर्मपत्नी जी एयर होस्टेस थी, तो अफवाह ये कि आपको आज भी जब चाय पीनी होती तो आप ऊपर घंटी बजा देते। अलका जी आपके बारे में अफवाह है कि शादी से पहले आप अपने होने वाले हस्बैंड से फोन पे रात भर जाग के बातें किया करती थी ताकि आप चेक कर सकें कि सामने वाला आपकी कितनी सुन सकता है। उस वक्त मैं नहीं था लेकिन ये इसका जवाब ये है कि रात भर बात करती थी लेकिन इसलिए नहीं कि वो मेरी कितनी सुन सकता है। आपके बारे में एक और अफवाह उदित जी। अच्छा, कि आपने एक आदमी अलग से कुमार शानू साहब के पीछे लगाया हुआ था कि जब भी उनकी अलका जी के साथ रिकॉर्डिंग हो वो उनकी गाड़ी पंक्चर कर दे। उल्टी बात कर रहे हैं आप। अलका जी आपके बारे में अफवाह है कि आप पूरा दिन भी सो सकती हैं, आपको सोना इतना अच्छा लगता है। ओके, इसी के साथ हमारी अफवाहें समाप्त होती हैं। क्या बात है, घड़ी तो आ गई, जब मेरे पास सेल भी आ जाएगा ना मैं आप लोगों को टाइम भी बताएगी। खैर कप्पू क्या टाइम हो रहा है, ओह माय गॉड क्या टाइम आए है हम लोग का, क्या बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग आए ले, वाह वाह वाह। हेलो अलका जी आए हैं, कैसी हो? बहुत अच्छी हूँ मैं। मिलिंद जी आए हैं, उदित जी आए हैं, आनंद जी आए हैं, कुमार शानू जी आए हैं। शानू दा कहाँ है? नहीं अलका जी आए ना, वो इधर ना किधर आए रहेंगे, देखो जरा इधर किधर। उदित जी ये औरत हमने असेंबल की हुई है। हाय अलका जी ने तो देखे ना असेंबल औरत को, हाँ पहले भी आ चुके हैं, उदित जी भी कई बार आ चुके हैं। आनंद मिलिंद जी आप पहली बार आए ना सर शो पे? जी। अच्छा इसका मतलब मैं आपको पहली बार मिलिंद रही हूँ ना। क्या बात है,
इससे पहले मैं आपको कभी भी नहीं मिलिंद दी ना. क्या बात. आपको पता है मिलिंद जी, आपका एक बहुत बड़ा फायदा है, आप ना मेरे को मिलके बोल सकते हैं कि सपना को मिलके आनंद आ गया. लेकिन आनंद जी कभी भी नहीं बोल सकते कि सपना को मिलके मिलिंद आ गया. अच्छा सर, मेरे को ना आप दोनों से एक बात पूछने का था. अच्छा सर, आप दोनों के साथ कभी ऐसा हुआ है क्या कि मम्मी ने आपको खाना खिलाया हो, फिर आप लोग खेलने लग गए हो और फिर से आप ही को खाना खिला दिया हो इनको समझ के? अरे वो जुड़वा थोड़ी ना है. ओ, इसका मतलब ये जोक तो जुड़वा पे जाएगा ना. आई एम सो सॉरी सर फॉर दिस जोक, गलती हो गई. अर्चना जी, आप एक काम करना, ये वाला जो पोर्शन है ना, इसको एडिट करके आप मेरे को फॉरवर्ड कर दो. क्यों? फिर जब कोई जुड़वा आएंगे ना, हम बीच में से पैचिन मार देंगे वाला. तो उनको क्यों बोल रही है, वो थोड़ी ना एडिट करती हैं. अच्छा, इनको एडिट भी नहीं आता. वाह वाह, क्या टैलेंट है. जोरदार तालियां हो जाए. वाह अर्चना जी के लिए, वाह. अलका जी, क्या प्लान है आपका कल का जी? अच्छा, आप खाना जो है वो भी हैवी खाती हैं कि वो भी खाती हैं हल्का जी? क्या बात है. नहीं नहीं, बड़ा मजा आ रहा है. नहीं नहीं, मैं फैन हूँ इनका. नहीं नहीं, बुरा मत मानिएगा. वो एक्चुअली कवि लोग आए थे ना, उन लोगों ने मेरे को ही सिखाया था, इसलिए मैं बोली. लेकिन अलका जी, एक बात बोलूं. हाँ. आप अपनी जिंदगी में ना एक चीज भूल गई हैं. क्या? कौन सी? बड़ी होना है? मैं 20 साल से देख रही हूँ, सेमिज लगती है यार. कोई चेंज नहीं अलका जी में. इट्स ट्रू. वैसे जो भी है सर, आप लोग का 90's का दौर क्या था सर? Yes. मतलब कप्पू सब लोग गाने ही सुनते रहते थे, मोबाइल पे किसी का ध्यान ही नहीं जाता था. मोबाइल था ही नहीं उस टाइम. अभी गाने सुनते रहेंगे तो मोबाइल बनाने में किसका ध्यान जाएगा रे. यार कमाल कर रहा है. खैर, मैं सर, मैं उदित जी आऊं इधर. अरे आइए ना, प्लीज प्लीज. उदित जी खुश नहीं होना, ये नकली है. उदित जी, मेरे को अपने साथ डिनारी भी लेके जाओ ना. डिनरी क्या होता है? डिनर होता है. जब नर जाता है तो डिनर होता है, नारी जाती है तो डिनारी होता है. क्या बात है. वाह. मैं आपको बताऊं, मेरे को डिनारी लेके जाओ ना अपने साथ में. फिर उसके बाद हम लोग शॉर्ट ड्राइव पे भी जाएंगे. लॉन्ग ड्राइव पे होता है. नहीं, इनके साथ में लॉन्ग ड्राइव पे नहीं जाऊंगी बाबा. क्योंकि क्या है, किधर भी मोड आता है ये उठे गड्डी छोड़ आते हैं. और अगर लॉन्ग ड्राइव पे इन्होंने गड्डी कहीं दूर छोड़ दी तो उधर से इधर तक मेरे को चल के आना पड़ेगा. जी जी. उदित जी, आप जिम जाते हैं क्या? नहीं नहीं, नहीं जाते ना, दिखता है. नहीं जा रहे. नहीं जा रहे. सही कह रहे. नहीं जा रहे. मैं जिम नहीं जाता. आप जाया करो सर, उधर ना फोटो फोटो खींचने में बहुत अच्छा लगता है. वैसे अच्छे से याद आया, मैंने उदित जी का डांस देखा था, मेरे को बहुत मजा आया. वो सिंगर है सपना. अरे नहीं, वो आदित्य की शादी पे. अरे क्या नागिन डांस किया था आपने. मैंने आपको देखा था. और पता है उस दिन शादी पे क्या हुआ, वो जो डीजे था ना, उसने वो कुमार शानू जी के 2-3 गाने बजा दिए. फिर इनको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया. जिस आदमी को पूरी जिंदगी मैंने सर 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 करते देखा था, उसको दिन धर 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 करते देखा मैंने. सच्ची बोलती हूँ. ये बोलते रहते ना, उड़ जा काले कावा तेरे मुंह विच खंड पावा. वो डीजे के मुंह में लोखंड पा दिया था इन्होंने. हाँ सच्ची बता रही हूँ. ये तो गड्डी छोड़ आते हैं, वो गड्डी में चट्टी छोड़ के भागा था. क्या बात है, क्या अच्छा. आप लोग इतने कमाल है सर, मतलब आप लोग तो हीरो हीरोइन लोग को आवाज देते है ना, और आप लोग सर म्यूजिक देते है, तो इतना देते है तो 1 करोड़ रुपया दो ना मेरे को. शर्म नहीं आती को वैसे भीख मांगते हुए? वो भी तो मांगते है, डी माइनर देना, सी माइनर देना. वाह वाह. तो वो अपने मतलब की चीज मांग रहे, मैं अपने मतलब की चीज मांग रही, कौन सी बड़ी बात. क्या बात है. अरे क्या बात है. वाह वाह. उदित जी, आप ना हैंडसम के साथ साथ इंटेलिजेंट भी बहुत है. आज ना एक पहेली सुलझाती हम लोग. जी हाँ. तो बताइए, एक गीला पजामा, एक ढीला पजामा, ओके, और एक नीला पजामा. जी, इसमें से कौन सा पजामा नहीं पहनने का? ढीला पजामा नहीं पहनना. गीला पजामा ही नहीं पहनना चाहिए? नहीं, नीला पजामा. क्यों? क्योंकि नीला पजामा ही गीला पजामा है. और अंदर की बात बताऊं, ढीला पजामा भी वही चे. और एक बाहर की बात बताऊं, वही पजामा मैंने अंदर पहना हुआ है. अच्छा सर, आप एक कभी पहेली सुलझाइए. ओके, तीतर के दो आगे तीतर, और तीतर के दो पीछे तीतर,
बताइए तीतर के पास कौन सा मोटरसाइकिल है? ये क्या बात है? ये जनरल नॉलेज का है ना? इसमें हमको ये बताना है कि इतने बड़े मोटरसाइकिल पे इतने सारे तीतर क्यों बैठे? हाँ, मेरे को तो लगता है पीकर बैठे तभी तीतर बैठे। खैर कोई बात नहीं। उदित जी, अभी क्या है ना, नया साल आ गया है, तो मैं क्या जोक का जो फैशन है ना वो मैं बदलना चाहती हूँ। ओके, जोक का कुछ अलग स्टाइल होना चाहिए। कैसे? तो ये मैं उदित जी आपके लिए लाई हूँ। ये आप जोक गाइए, है ना? ये कितना अलग रहेगा ना, कभी किसी ने किया नहीं। कपूर एक्चुअली जोक तो हम लोग बोलते हैं, ऐसा गाया कभी किसी ने नहीं। एक हाथी था, अच्छा, एक चींटी थी। वाह। हाथी को चींटी से मोहब्बत थी। अच्छा। हाथी रिश्ते के लिए चींटी को देखने आया, लेकिन चींटी ने मना कर दिया। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हाथी के दांत बाहर थे। क्या बात है, मैं सच, मेरे को इतनी खुशी हुई है ना, मैं सच्ची थैंक यू दीजिए। मैं दिल से एक, मैं एक चीज बोलती हूँ, इस चीज से हमें एक सीख मिलती है। क्या? कि चुटकुले को हमेशा चुटकुले की तरह बोलना चाहिए, ऐसे खराब हो जाता है ये, है ना? बहुत अच्छा लगा आप लोग आए, मेरे को जाना है एक्चुअली। वो क्या, बड़े बड़े लोग आते हैं ना मसाज कराने के लिए, हाँ हाँ। वो जूही चावला दी आई थी। अच्छा। तो जाते जाते अपना चावला छोड़ गई मेरे पास में। अभी क्या है कि उनके घर पे दाल बनी है, चावला तो मेरे पास है। बेचारी कब तक वो चटनी रोटी खाएंगे, मैं चावला दे के आती हूँ। वाह वाह, एक बार जोरदार तालियां हो जाए उदित जी, अलका जी और आनंद मिलिंद साहब के लिए। आइए सर प्लीज, एक बार जोरदार तालियां हो जाए हमारे मेहमानों के लिए। उदित जी, अलका जी, आनंद मिलिंद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे शो पे आने के लिए। बड़ा मजा आया आपसे आज बातें करके, और प्लीज आते रहा करिए, बड़ा अच्छा लगता है आपसे मिलके। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू अलका जी। और दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है, बाजारों में भीड़ करने से बचें, मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। गुड नाइट, शुभ रात्रि। थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.